नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आज सुबह नेपाल में एक दुखद विमान हादसा हुआ। क्या है पूरी खबर दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात देश की नई वंदे भारत ट्रेन की, कहां से हुई है इसकी शुरुआत। करेंगे चर्चा भारतीय सेना की बढ़ती क्षमताओं पर, क्योंकि आज है 75वां सेना दिवस। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नेपाल के पोखरा में यात्री विमान हुआ क्रैश। चालक दल सहित सभी 72 लोगों की मौत। काठमांडू से सुबह 10:30 बजे पोखरा के लिए भरी थी उड़ान। सोमवार को नेपाल में एक दिन का रहेगा राष्ट्रीय शोक। पचहत्तरवां सेना दिवस। बेंगलुरु में हुआ आयोजित, रक्षा मंत्री सहित सेना प्रमुख ने की भारतीय सेना की प्रशंसा। कहा, विपरीत परिस्थितियों में सेना ने दिया है शौर्य का परिचय। सेना की तकनीक और आधुनिकीकरण को रक्षा मंत्री ने बताया समय की जरूरत। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच दौड़ी देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री ने बताया, नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक। का गुलामी की मानसिकता से निकल देश बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक सोमवार से। प्रधानमंत्री सहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व 300 से ज्यादा बड़े नेता करेंगे शिरकत। रोड शो के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। दोपहर 3 बजे से अशोका रोड, संसद मार्ग, जंतर मंतर लेन रहेंगे बंद। उत्तराखंड के जोशीमठ के भूदशाव वाले क्षेत्र पहुंची प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम। प्रभावित इलाके का किया निरीक्षण। क्षेत्र में पड़ी दरारों में देखी जा रही है बढ़ोतरी। चिन्हित क्षेत्र में होटलों को तोड़ने का काम हुआ शुरू। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ तेज। रूस ने नीप्रो सहित बोलदो क्यूब के इलाके में दागी मिसाइलें। हमले में 20 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूबे। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगे हथियार। और एक दिवसीय मुकाबले में किसी भी क्रिकेट टीम की रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज। 317 रन से भारत ने श्रीलंका को दी शिकस्त। 3 एक दिवसीय मैच की सीरीज में श्रीलंका का सुपड़ा साफ। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में भारत ने दिया था 391 रन का लक्ष्य। शुभमन और कोहली ने जड़े शतक। FIH विश्व कप हॉकी ग्रुप डी मुकाबले में भारत इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है राउरकेला में मैच। दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत 3 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर। दोनों ही टीम मुकाबला जीत क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कराने की कोशिश में। खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर, और पहले बात नेपाल की। नेपाल में आज सुबह एक बेहद दुखद विमान हादसा हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहे विमान के लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। यात्रियों में 53 नेपाली नागरिक थे। इसके अलावा विमान में 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई तथा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक एक नागरिक सवार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ने आपात बैठक की और 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो पूरे इस घटना की जांच करेगी। इस हादसे के बाद नेपाल में सोमवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में एक यात्री विमान क्रैश हो गया। लैंड होने से ठीक पहले ही विमान क्रैश हो गया। जहाज में कुल 68 यात्री सवार थे, साथ ही सवार थे चालक दल के 4 सदस्य, यानी कुल 72 लोग। येती एयरलाइंस के इस विमान ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरी थी। करीब 12 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में एक जोरदार धमाके की आवाज और वहां से उठते धुएं का गुबार। पोखरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पुराने हवाई अड्डे के बीच बहती सेमी गंडक नदी के किनारों पर स्थित जंगल वाले इलाके में विमान ने कंट्रोल खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
उसके बाद विमान आग का गोला बन गया। उठती आग की लपटें और उसे काबू पाने के लिए मशक्कत करते स्थानीय लोग, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई थिंक वी ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड आवर कंडोलेंसेस टू ऑल ऑफ द पीपल, बट द डिटेल्स हैव स्टिल टू बी अराइव्ड। पश्चिमी नेपाल के जिले कास्की के पोखरा में हुई इस दुर्घटना में 10 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, जिसमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए 9779851107021 और पोखरा में संपर्क के लिए 9779856037699 नंबर जारी किया है। वही दुर्घटना पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। उसके बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही नेपाल ने सोमवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय सहित सभी सुरक्षा कर्मियों से संबंधित राहत कर्मियों को जल्द से जल्द राहत कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में बीते 3 वर्षों में कुल 6 विमान हादसों में 350 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते साल ही मई 2022 में तारा एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उससे पहले मार्च 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस द्वारा संचालित एक विमान काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रही हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए उनका रुख करते हैं। श्वेता, क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस पूरी खबर को लेकर, इस हादसे को लेकर? नरेंद्र, अगर आप खबरों को देखें तो सुबह से जैसे खबरें आ रही थी कि पहले 22 लोग मरे, 11 बजे ये जानकारी मिली, फिर 1 बजे कंफर्म हुआ कि नहीं 40 लोगों की मौत हो गई है, फिर जैसे ही 5:30-6 बजा तो ये पुख्ता हो गया कि जितने कुल 68 लोग सवार थे ये थी एयरलाइंस में, वो सारे के सारे मारे गए। क्योंकि जैसा आप क्रैश देखेंगे तो वो नोज हेड एकदम पूरी तरह से विमान नीचे की तरफ गिरा और लुढ़क करके ये सेती नदी के गॉर्ज में गिर गया। तो जो गॉर्ज में गया तो वो मुश्किल हुआ कि कैसे रेस्क्यू किया जाए। पहले तो जो धुएं का गुबार है, आग का गुबार है, ऊपर से आप देखें वो गॉर्ज में जाके गिरा है, तो जो सोल्जर्स थे लगभग लोकल वॉलंटियर्स सोल्जर्स सब मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, मगर ये इतना टफ रहा क्योंकि आग के गुबार के बीच से जाकर के आप लोगों को निकालना चाह रहे थे, मगर जिस तरह से ये विमान में आग लगी वो बहुत क्लियर था कि चांसेस बहुत कम थे कि कोई भी बच पाएगा। और सही में शाम तक में अगर आप देखें तो 68 लोगों की मौत होने की खबर पुख्ता हो गई है, जिसमें 5 भारतीय नागरिक थे, 2 साउथ कोरियन, 1 फ्रेंच, अर्जेंटीनियन, रशियन। तो ये बहुत दुखद घटना है और ये 5 सालों में देखे सबसे बड़ी, मैंने बहुत बड़ा एयर क्रैश था। बिल्कुल अश्वेता, महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि मौसम लगभग साफ दिखाई पड़ रहा, तमाम जो तस्वीरें हैं, क्या और बड़ी वजह रही संभावित तरीके से? हालांकि 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन अभी तक शुरुआती क्या कुछ संकेत मिल रहा है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक जैसा वहां माहौल था क्योंकि सही में मौसम क्लियर था, तो आप मौसम पे दोष नहीं डाल सकते हैं कि ये मौसम की वजह से हादसा हुआ होगा, एयर टर्बुलेंस बहुत स्ट्रांग था उस कारण से हुआ होगा। ऐसे नेपाल में अगर आप देखें तो एयर क्रैश बहुत दफे हो चुका है, मोस्ट बिकॉज हार्श टेरेन के कारण, और जो विमान है वहां जो डोमेस्टिक एयरलाइन में जितने विमान उड़ते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो आपके विमान देखेंगे वो बड़े साइज के होते हैं तो टर्बुलेंस बर्दाश्त भी कर पाते हैं। तो ये जो छोटे विमान है थोड़ा सा भी अगर टर्बुलेंट वेदर रहा तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि कुछ हादसा हो पाए, मगर आज मौसम ठीक था। अभी तक कारण बहुत क्लियर नहीं हो पाया, हालांकि जैसा आपने बताया भी कि 5 सदस्यीय कमेटी का चयन मैंने बना दिया गया है, जैसे ही पुष्प कमल दहल हमारे नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनको जानकारी मिली तो उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तुरंत स्टेप लिया।
और रेस्क्यू ऑपरेशन तो चालू हुआ। ये 5 मेंबर कमेटी भी बनाई गई जो कि अब इन्वेस्टिगेट करेगी कि मामला क्या था, क्योंकि अभी तक में तो कहीं भी कोई कारण बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। मगर जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ और जो चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने अपने छत से देखा कि कैसे ये फ्लाइट उड़ते हुए एकदम टिल्ट हुई और एकदम नोज हेड गिरते हुए फिर गॉर्ज में चली गई, तो दिस इज लाइक अब मे बी आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाए कि कारण क्या रहा हो इस दुर्घटना का। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि ऐसी हादसा दोबारा ना होने पाए और इसकी जो सच्चाई है इस पूरे हादसे की वो भी निकल गया। बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ काठमांडू से जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आज 75वां सेना दिवस है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय सेना आत्मनिर्भरता से आधुनिकता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की ओर से चुनौती बरकरार है, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। सेना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने बधाई दी है, साथ ही साथ सेना के शौर्य की भी जमकर सराहना की है। वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक भारतीय सेना ने रविवार को अपना 75वां सेना दिवस मनाया। सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की 8 मार्चिंग टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना आत्मनिर्भरता के साथ विकास के रास्ते पर तेज गति से चल रही है। आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा नया मूल मंत्र होगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इस चुनौती के लिए सक्षम रूप से उभर कर आगे आ रही है। जनरल पांडे ने कहा कि पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है, लेकिन संघर्ष विराम के उल्लंघन में कमी आई है। थल सेना प्रमुख ने उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि एलएसी पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कंटिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पहली बार ही रहा कि जब सेना दिवस का आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में घुड़सवारों की टुकड़ी भी मार्च पास्ट में शामिल हुई। इसके अलावा ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया। थल सेना प्रमुख ने बहादुरी और बलिदान के लिए सेना के जवानों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया। सर्वोच्च कमांडर और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस के अवसर पर जवानों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सेना दिवस पर आइए याद करें भारतीय सेना के जवानों के बलिदान की अनगिनत कहानियां। सैनिकों ने आपदाओं के समय रक्षक के रूप में भी काम किया है। मैं इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी वीर जवानों और उनके परिवारों को नमन करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सेना के योगदान की जमकर सराहना की। आज सेना दिवस भी है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। देश की रक्षा में, देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान, भारतीय सेना का शौर्य
अतुलनीय है। मैं सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय सेना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत का विकास हो या दुनिया में कूटनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता देश का दबदबा, ये सभी भारत की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की वजह से ही हो रहा है। रक्षा मंत्री ने बदलती तकनीक, समय के मद्देनजर रणनीति बनाने का भी आह्वान किया। साथ ही कहा कि भारतीय सैनिकों की दक्षता का लोहा दुनिया ने माना है। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा था कि चीन LAC पर एक तरफा तरीके से स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारतीय जवाब ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमारी सेना भी पिछले 6-7 दशकों में कितनी भी क्यों न बदल गई हो, पर उसकी जो आत्मा है, शौर्य, धैर्य और राष्ट्र और संविधान के प्रति जो उसकी निष्ठा है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारी सुरक्षा व्यवस्था का राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान है। आपने अनेक एजेंसीज के सर्वे देखे होंगे जो ये बताते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स चाइना इज टुडे सीकिंग टू चेंज द स्टेटस को by bringing large forces in violation of our agreements. Despite the COVID, remember this happened in May of 2020, despite the COVID, our counter response was strong and firm. गौरतलब है कि हर 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद 1949 को पहली बार भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना कमांडर बने थे, इसलिए 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, दुनिया में इसकी तारीफ होती है, और बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से सेना का आधुनिकीकरण हुआ है, उसके बाद सेना का मनोबल और भी बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से सेना की जरूरतों के हिसाब से बड़े बदलाव किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज मेक इन इंडिया के दम पर भारतीय सेना लगातार आत्मनिर्भर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सेना दिवस का जो 75वां एक पड़ाव है, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम विशेष बुलेटिन के अगले हिस्से में चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Sergeant,
just look so so in kya kar you leave you zin kya kar kya khap chen to spar dal dan pere wai la dami mas koni ni na solwa mos la Garabe galda tus gums dan polusi richer do funchada unde speji kyuri garabe galda tus gums dan polusi Richard was a child. ब्रेक के बाद अब बात रेलवे से जुड़ी खबर की। नए भारत की आधुनिक होती रेलवे के लिए आज एक और बेहतरीन दिन रहा। देश में आज 8वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली यह ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी और लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर रेलवे में किए जा रहे तमाम प्रकार के बड़े बदलावों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र भी किया। कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। ये पोंगल के शुभ अवसर पर दो तेलुगु भाषी राज्यों को प्रधानमंत्री मोदी का खास तोहफा है। पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना की गई ये ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली ये ट्रेन रेलवे का कायाकल्प करने के पीएम के विजन और सुविधाजनक और तेज रफ्तार यात्रा सुनिश्चित करने की रेलवे की प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये ट्रेन नए भारत की आकांक्षा और सोच की प्रतीक है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय किया करेगी और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा, जबकि तेलंगाना में खम्मम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। देश में अब तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से आम लोगों और यात्रियों में जबरदस्त खुशी और उत्साह है। इस ट्रेन से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आम लोगों और व्यापारियों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खास बात इस ट्रेन की है जो स्पीड को लेकर है,
जो हम सभी को जर्नी को काफ़ी आसान बना रहा है। बिल्कुल फ्लाइट वाला फील है, साथ में आपका व्यू भी बहुत बढ़िया है, आप आराम से देख पा रहे हैं, आपको कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कंफर्ट सीट भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। नए फीचर्स के साथ, नए फ्लेवर के साथ वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुसाफिरों को गंतव्य तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो मुसाफिर हैं वो गदगद हैं, रोमांचित हैं। और जो भारतीय रेल का जो फिल्मों में जो क्रेज है, उसकी सीटी और छुक छुक की आवाज़, अब ये साउंडलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन मुसाफिरों को आकर्षित कर रहा है, खूब लुभा रहा है। विशाल देश की रंग बिरंगी संस्कृति को जोड़ने वाली भारतीय रेल ने पिछले कई वर्षों में ऐतिहासिक प्रगति की है। वंदे भारत एक्सप्रेस उसी की वानगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में निर्मित और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस एक्सप्रेस में स्वदेश में ही निर्मित कवच सुविधा भी है जो रेलगाड़ियों को टकराने से बचाती है। सिकंदराबाद में राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव की चुनौती और चिन्हित क्षेत्र के मकानों में बढ़ती दरारों के खतरे को देखते हुए दो होटल्स, होटल मल्लारी इन और होटल माइंट व्यू के ध्वस्तीकरण को लेकर कार्रवाई की गई है। जोशीमठ में अभी तक 723 घरों में दरारें देखी गई हैं। वहीं जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। जोशीमठ में हालात पर प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी रख रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने भूधसाव से प्रभावित इलाके का दौरा किया। टीम ने यहां का निरीक्षण किया, घरों और क्षेत्र में दरार वाले हिस्सों में, साथ ही जहां भी पानी का रिसाव हुआ है उन सभी जगहों का करीब 2 घंटे तक निरीक्षण किया गया। पीएमओ की टीम द्वारा यहाँ जोशीमठ के जो स्थानीय स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए आज उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जो भी ऐसे घर हैं जो भूधसाव की चपेट में आए हैं और घरों में क्रैक्स हैं, साथ ही साथ जो नीचे पानी का रिसाव हो रहा है नीचे, उसका भी निरीक्षण किया गया। करीब 2 घंटे ने पूरे ग्राउंड पे इंस्पेक्शन किया। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि दरारों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका अध्ययन किया जा रहा है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। काफ़ी अच्छे से चल रहा है, राहत बचाव कार्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत कहीं कहीं पे क्रैक्स में बढ़ोतरी हुई है और कोई नया एरिया ऐसा डेवलप नहीं हुआ है। पैटर्न को डेवलप तो नहीं हो रहा है क्रैक्स का, उसको सारी टीमें अपनी अपनी जांचें कर रही है। जांच होने के बाद इस सुरक्षा के लिए, ताकि ये स्लिप ना बने, उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। हल्की फुल्की तो क्रैक्स बढ़े हैं कहीं कहीं पे, तो लेकिन ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है कि एक साथ सबका जब एफर्ट लगना चाहिए वो लग रहा है, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबका। पांचजन्य पत्रिका के 75वीं वर्षगांठ पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सबके राम नामक पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अनेक सांसद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के CMD, निजी क्षेत्र के व्यापारिक नेतृत्व में सिविल सोसाइटी के अनेक प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली के होटल अशोक में पांचजन्य अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण कर अपनी हीरक जयंती मना रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन सत्र में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत यह पत्रिका 75 वर्ष पूरे कर रही है, तो इसे मैं एक बड़ी घटना मानता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार, हमने कभी किसी पत्रकारिता संस्थान पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं, वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर ना तो कोई रोक लगाई और ना ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पांचजन्य पत्रिका के गौरवशाली इतिहास में विशेष रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि वैसे चैनल जो भारत में या भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं और वो राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर सरकार ने कानून सम्मत कार्रवाई की है।
हमने ऐसे चैनल जो देश के बाहर से चलते हैं या देश के अंदर चलते हैं, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जो भारत को तोड़ने का सोच रखते हैं या फिर ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे भारत का नुकसान होता हो, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। पांचजन्य केवल समाचार विचार का माध्यम मात्र नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी विचार का दर्शन और अभिव्यक्ति भी है। इस मौके पर पांचजन्य और भारत की 75 वर्ष की यात्रा, भारत का सांस्कृतिक विकास और भारत का आर्थिक विकास समेत तमाम अन्य प्रमुख बिंदुओं पर वक्ताओं के द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। कल से दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित करीब 350 बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के संबोधन के साथ ही इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ चुनाव वाले राज्यों पर भी चर्चा होगी। बैठक स्थल पर 6 थीम पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री सहित कुल 350 बीजेपी के नेता शामिल होंगे। 2 दिनों की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव वाले राज्यों पर भी बैठक के दौरान खास चर्चा होगी। देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्ताव के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहाँ चुनाव होने हैं उसकी पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविक तक की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस दूसरी बैठक में चर्चा होगी। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर सत्र के साथ साथ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी होगा। बीजेपी ने एनडीएमसी बैठक स्थल पर 6 अलग अलग थीम पर प्रदर्शनी भी लगाई है। इस प्रदर्शनी में सेवा, संगठन, समर्पण, विश्व गुरु भारत, सुशासन पर्व प्रथम, समावेशी सशक्त भारत जैसी कुल 6 थीम पर फोकस किया गया है। सेवा, संगठन और समर्पण, ऐसा एक विषय उसमें लिया गया है। उसमें रक्तदान होगा, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हमने की है वो होगी, सामाजिक न्याय का संकल्प किया है या फिर पर्यावरण के रक्षण के बारे में है, स्वच्छ भारत के कुछ है या फिर तिरंगा अभियान जो हमने किया वो विषय उसमें लिया है। गौरतलब है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन चुनाव वाले राज्यों पर खास तौर पर चर्चा होगी। जाहिर है सभी की निगाहें इस बात पर लगी रहेंगी कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देती है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज दिल्ली। Thank you.
पेमेंट फेल। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा दे, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Students, get your STEM nodes working. Participate in India's biggest STEM quiz. It's time to raise hands and win prizes up to 2 crore rupees. Stand a chance to visit premier institutions. The students of class 9 to class 12 register before the 16th of January for free only on stemquiz.gujarat.gov.in. Gujarat STEM Quiz 2.0, the journey of a new generation. और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, क्योंकि आज आर्मी डे है और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विषय भी, और उस पर हम विशेष भी आपको दिखा रहे हैं। 75वां सेना दिवस, आत्मनिर्भरता से आधुनिकता की ओर, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मूल मंत्र कहीं ना कहीं सेना का दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अजय बनर्जी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ रक्षा पत्रकार। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल भट्ट जी, सबसे पहले तो यही, क्योंकि एक 75 वर्ष का पड़ाव एक सेना के तौर पर एक बहुत बड़ा एक सफर हमने तय किया है। रक्षा मंत्री के शब्दों में कहें तो अपने आप में रूप स्वरूप जरूर सेना का बदला है, लेकिन जो आत्मा है पराक्रम और शौर्य की, वो लगातार बदस्तूर कायम है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। जी हाँ, पहले तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भारतीय सेना के ऑफिसर्स, जीएसओस, उनके परिवारों को आज के दिन के लिए, आर्मी डे के लिए बधाई देना चाहूंगा, और साथ ही मैं पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने हमारे को विश्वास किया है। और मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि हम हमेशा उस विश्वास पर अडिग रहेंगे। आज के इस भारतीय सेना दिवस में हमारे सेनाध्यक्ष ने बेंगलोर में पहली बार आर्मी डे का सेलिब्रेशन हुआ है, जो कि एक नया एक इनिशिएटिव कि हम पूरे भारत में अलग अलग जगहों में हर साल अपने लोगों तक पहुंच पाए। और पहले साल में ये बेंगलोर में हो रहा है, जो कि हमारे पहले सीएनसी जनरल करियप्पा के गांव या उनके मूल जगह से के नजदीकी है, जो कि एक प्रश्न चर्च। अजय जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि मौजूदा कुछ वर्षों में किस प्रकार से एक प्रोफेशनल पेशेवर आर्मी के तरीके से भारत ने अपनी जो एक लोहा है वो बनवाया, और आधुनिकता को लेकर भी देखा जाए, आत्मनिर्भरता को लेकर भी देखा जाए, तो कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं भारतीय सेना ने। जी बिल्कुल, पहले तो आर्मी डे की सबको मुबारक। रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने एक बड़ी अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि चाहेंगे कि तीनों सेना बल जो हैं फ्यूचर रेडी हो जाएं, यानी कि जो लड़ाई का क्षेत्रफल बदल रहा है, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जो झड़प चल रही है उसके बारे में बात करते कहा कि उससे सबक लीजिए, और कई सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इक्विपमेंट आ रहा है, कई सारी नई चीज़ें आ रही हैं, उनके ऊपर फोकस करिए। और उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन जो अपनी है वो जारी रखिए, यानी कि सेना में बदलाव जो की जो प्रक्रिया है, जैसे आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वो बदलाव के प्रक्रिया को जारी रखें, पर अपने जो भी उनकी वीरगाथाएं हैं, ग्रिट और डिटर्मिनेशन है सेनाओं का, उसको भी बरकरार रखिए, और रखा है 70 साल में। ये मेरे हिसाब से सबसे अहम बात रक्षा मंत्री जी ने आज कही। जी जनरल भट्ट, क्योंकि जो सेना प्रमुख है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि चाहे एलओसी हो या एलएसी, अपने आप में चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए, बिना नाम लिए एक तरीके से पाकिस्तान और चीन को भी कड़ा संदेश है। बिल्कुल, हमारा प्राइमरी फ्रंट और प्राइमरी फोकस डोकलम के बाद 2017 के बाद हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर निश्चय हो गया है, और हमारी उस बॉर्डर के लिए क्षमताएं जो हैं वो बढ़ती रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो फोर्सेस की हो, और जैसे कि हमारे सेनाध्यक्ष ने बोला कि अगर रीऑर्बिटिंग की जरूरत है, रीफोकस अपने ट्रूप्स की जरूरत है, तो वो भी की जा रही है, क्योंकि हमने अपने प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रंट दोनों में ही तैयारी रखनी है,
और ये काबिलता रखनी है कि दोनों फ्रंट को हम हैंडल कर सके। और सबसे अहम यह है कि किसी भी वॉर प्रिवेंशन के लिए यह है कि कोई भी सेना हमेशा तैयार है, और आज के दिन में जल थल और तीनों आर्मी नेवी और एयरफोर्स के अलावा जो दो नए डायमेंशन हैं साइबर और स्पेस, वो भी उतने ही अहम होंगे, और इनमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत अहम है और इस बात का जिक्र आज रक्षा मंत्री ने भी एक तरीके से कहा कि चुनौतियां नए प्रकार से आ रही हैं, जो हमने आज देखा आपने रूस युद्ध का जिक्र भी किया यूक्रेन के साथ में, उसमें किस प्रकार से तकनीक का या ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में पता ही नहीं लग रहा कि आखिर ये दिक्कतें या परेशानियां आ किधर से रही हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए प्रकार के जो तकनीकी प्रयोग है उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि ये वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलते सेना का एक स्वरूप हमको दिखाई पड़ रहा है? जी, सेना ने कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, ये सब कंप्यूटरीकरण के नए नए उपयोग हैं। और इसके साथ ही एक और चीज़ जिसे कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर की जो कीज होती हैं सिक्योर कीज, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, वो कीज जंप करती हैं, उनको सिक्योर किया जाता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये कंप्यूटरीकरण के तीन भाग हैं जिनको अब सेना अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट अपने पास कर रही है। कुछ IITs के साथ उनके समझौते हुए हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। ड्रोन केवल एक टेक्नोलॉजी है, ड्रोनों की प्रकारें कई 3-4 किस्म की प्रकार होती हैं और हम वो सारी प्रकारों में से 2-3 को इस्तेमाल करते हैं। अभी अंडर वाटर ड्रोन आ चुके हैं, यानी समुद्र की सतह के नीचे ड्रोन काम करने वाले छोटी पनडुब्बियां, जो शायद अंग्रेजी फिल्मों में दिखाई जाती थी 10-15 साल पहले या साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई जाती थी, वो आज सच्चाई है। अंडर वाटर पनडुब्बी चलती हैं जो कि बिना आदमी की उससे चलती हैं, अनमैंड होती हैं, जिसे कहा जाता है कि आदमी उनके अंदर नहीं बैठता, वो चलती हैं। हम भी कुछ उनके ऊपर परीक्षण कर रहे हैं, कुछ उनमें बना रहे हैं, कुछ एक अभी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है कि अनमैंड बोट्स के बारे में, अनमैंड बोट्स यानी जो समुद्र के सतह के ऊपर चलेंगी और अनमैंड पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे चलेंगी। वैसे ही हवा में उड़ने वाले UAVs या ड्रोन्स जिसे कहा जाता है, कई सारे आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सेना उन टेक्निकों को सबके साथ लेके चल रही है। आज की डेट में आप देखिएगा आने वाले 6-7 साल के अंदर यह बदलाव दिखेगा। जी जनरल भट्ट, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में, जो हम मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें 400 से ज्यादा ऐसे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको हम खुद ही बनाने की क्षमता में एक तरीके से आ गए, जो हम पहले बाहर से मंगाया करते थे। इस प्रकार के जो तमाम प्रयास है सरकार के हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाने का, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया और स्पेशल इनिशिएटिव रहा है हमारी सरकार का, खासकर हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिसमें कि एक आइडिया चैलेंजेस है, जिसमें नए स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को यह मौका दिया जाता है कि वो नए इन्वेंशन करे और उस नए चीजों को बनाने के लिए कुछ पैसा सरकार से, कुछ पैसा इस आईडेक्स के द्वारा और कुछ पैसा जो स्टार्टअप कर रहा है उसको वो देता है। इस आईडेक्स चैलेंजेस में बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजियां ड्रोन में, नए नए AI मिल के यूटिलाइजेशन से नई चीजें आई हैं, और हमारी मिनिस्ट्री ने अब डिफेंस स्पेस चैलेंजेस भी दिए हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में रिसर्च कर नए ऑप्शन देने के लिए, कम्युनिकेशन में, रेकी में, लॉन्च और डिमांड पर ये अब दिए हैं, जिससे कि हमारी आर्मी को और टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ मिलेगी। जी अजय जी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक बात को कह चुके हैं, खास करके हमने देखा कि गलवान के बाद ये बात निकल के आई थी कि पूरे क्षेत्र में या कहा जाए पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारत का सक्षम होना बहुत जरूरी है, और भारत इस लिहाज से अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की जो सेना की जो कदम है ये इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि जो फ्यूचर है आज से 20-30 साल बाद वो चीन और इंडिया का होगा। चीन की ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, हमको भी उसी लेवल पे ग्रो करना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि 2047 तक हम एक विकसित देश होने की उम्मीद रखते हैं, यानी आज से कोई 25-26 साल बाद। वो 25 साल का जो समय है देखने को बड़ा दूर लगता है, मगर वो एक हिस्ट्री में बड़ा छोटा समय होता है। चीन को 100 साल लग गए जहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो ये जब हम ग्रो करेंगे, फ्यूचर हमारा है, कैसे ग्रो करेंगे, हमको एक सक्षम पॉलिसी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, टेक्नोलॉजी पॉलिसी चाहिए, वो सब कुछ जगह पे है। अब समय
हमारे भारत का आ चुका है, वो शायद 10-12 साल के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। जी जनरल भट्ट, क्योंकि इस 75 साल के पड़ाव में भारतीय सेना ने बहुत प्रतिमान स्थापित किए हैं और कई हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसे चैलेंजेस भी पूरे किए हैं जिसको दुनिया लोहा मानती है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अपने जो दुश्मन है उनको भी जवाब दिया है, तो हमने जो एयर स्ट्राइक है उसका भी एक तरीके से मुजाहिरा करके दिखाया, क्योंकि ये नए भारत की नई सेना की नई क्षमताएं हैं जिसको कि अब दुनिया जान रही है कि साहब ये झुक के बात करने वाला देश नहीं है बल्कि आंख में आंख मिलाकर जवाब देने वाला देश है। निश्चय ही जो आप कह रहे हैं कि हमारी 2014 के बाद में एक जो पॉलिसी हुई, चाहे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में या नॉर्दर्न बॉर्डर में, और जिसका रिफ्लेक्शन हुआ एक तो ज्यादा रोबस्ट रिस्पॉन्स जो हमने अपने वेस्टर्न थिएटर पर देखा, चाहे वो एनसीपे हो, चाहे वो पार ऑपरेशन करने का हो, चाहे वो एयरफोर्स के इस्तेमाल का हो, और साथ ही नॉर्थ में भी हम ने अपने ओपोनेंट के साथ में बिल्कुल रोबस्ट रिस्पॉन्स रखा। ये शुरू हुआ डोकलम से, ये जाहिर हुआ गलवान में, और आगे भी हमारी सेनाएं हमेशा हम लोग अपनी देश की रक्षा के लिए रोबस्ट से रोबस्ट रिस्पॉन्स पकड़। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि एक बड़ा रिफॉर्म भी हमने बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के माध्यम से डिफेंस सेक्टर में देखा, आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से इस प्रकार के रिफॉर्म्स की बात होती थी लेकिन रुके पड़े थे, अब वो जमीन पर उतर गए, उसका बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। भारत अब रक्षा उपकरणों को आयात करने से निर्यात करने वाला देश बन गया। जी बिल्कुल, कुछ एक साल पहले हमारा उस सूची में नाम आया था कि हम एक्सपोर्टर बन गए हैं, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया है, तकरीबन 18,000 करोड़ की अभी तक इस साल में एक्सपोर्ट हो चुकी है, उम्मीद है वो 20-22 हज़ार करोड़ की हो जाएगी जब तक वित्त वर्ष खत्म होगा 31 मार्च 2023 में। जो लक्ष्य है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रखा है कि वो $5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी करीब 35-36 हज़ार करोड़ एक्सपोर्ट हो जाएगी 2025 तक। मेरा मानना यह है कि आने वाले 5-7 साल के अंदर हम $10-12 बिलियन की एक्सपोर्ट कर देंगे। कई सारे छोटे मुल्क हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे उपकरण विश्वसनीय हैं, हमारे उपकरण चलते हैं और बड़े रगेड हैं, रगेड माने हर किस्म के तरीके में, हर किस्म के एटमॉस्फेयर में, वेदर कंडीशन में वो चलते हैं, काम करते हैं। हमारी सैटेलाइट्स बड़ी सक्षम हैं, हमारा रडार कवरेज बहुत अच्छी है, रडार हमने खुद बनाए हुए हैं, सैटेलाइट्स हमारी अपनी हैं। ये सब छोटे छोटे मुल्क देख रहे हैं जिनके लिए अमरीकी उपकरण या रूसी उपकरण खरीदना बहुत महंगा है। हमारे उपकरण सस्ते हैं मगर कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल बड़े उनका लोहा माना जा चुका है, स्पेशली हमारी सैटेलाइट्स, रडार्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट का, वो छोटे मुल्क कई सारे देख रहे हैं और उनकी तरफ हमारी मेरे को लगता है ऐसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जनरल भट्ट, एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि अब महिलाओं की भूमिका भी सेना में लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, इसको भी एक बहुत बेहतर कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारतीय सेना में अदर रैंक्स में सिपाहियों में 2 साल पहले पहली बार मिलिट्री पुलिस में भारतीय सेना ने लेडीज को लिया, साथ ही आज हमारे जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो सैचिन में भी हैं, वो हेलीकॉप्टर चलाने की तैयारी कर रही हैं, और जैसे कि आप चीफ ने बोला कुछ समय बाद आर्टिलरी रेजिमेंट्स में भी हमारे लेडी ऑफिसर्स आएंगे। तो जिस पे भी क्षमता हो फिजिकल और मेंटल, और जो देश का प्रोटेक्शन कर पाए, वो चाहे किसी भी मेल हो या फीमेल हो जी, इंडियन आर्मी उनको हमेशा वेलकम करेगी। बिल्कुल, ये 75वां पड़ाव एक तरीके से आर्मी डे का और भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम की गाथाएं लगातार हम सबके जहन में एक तरीके से बनी रहती है और इसीलिए सम्मान भी लगातार बना हुआ है सेना का। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही वक्त है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जनरल भट्ट आपका भी, बनर्जी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।
वैसे तो मैं खेलूंगा फ्यूचर बैटिंग लेजेंड सर, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास कोच बिहार के बक्सर पहुंच गया है। गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटक बक्सर के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बक्सर के रामरेखा घाट के दर्शन किए, उसके बाद यात्रियों ने सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का भी दौरा किया। एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने वाले पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक पर्यटक ने अपने अनुभव साझा करके भारतीय खानों व्यंजनों की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि क्रूज में मांस मछली या शराब आदि नहीं परोसे जाते हैं। We have been informed ahead of the cruise that we will not be served any fish, meat or alcoholic beverages, and that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha, dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience, and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for the following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we got very fresh and nice fruit juices, coffee, and your very world famous tea such as chai masala. गंगा विलास अब गंगा जी में बिहार की धरती पर पहुंच चुका है। इसमें खान पान की विशेष व्यवस्था है। इस बारे में और जानकारी दी अंतरा रिवर क्रूजेस के प्रबंधक राज सिंह ने। यहां तक खाने की सवाल है, हम वहां पे वेजिटेरियन शाकाहारी और लोकल व्यंजन ज्यादा प्रेफर करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में हमारे यहाँ बहुत सी सब्जियां आ रही हैं जो कि इसी महीने विंटर मंथ में हमारी सब्जियां आती हैं, जैसे गाजर है, अपना नए आलू हैं, मटर है, गोभी है, मूली है, बथुआ है, तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं, जो पालक है, बहुत सी सब्जियां हैं जो कि इस वक्त आती है। हम इन सब्जियों का प्रयोग करके और अलग अलग तरह से उनको लोगों को करते हैं। इसी तरह से इस टाइम में बहुत से फ्रेश फ्रूट्स आ रहे हैं। अब जैसे देखिए कि जैसे बिहार में गए तो बिहार में छोटे केले आते हैं, उनका स्वाद ही अलग है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो साथ ही असम में माघ बिहू तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। जहां लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ भी कर रहे हैं। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। उत्तर भारत में मकर संक्रांति तो असम में माघ बिहू, वहीं तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने गंगा सागर से लेकर देश की पवित्र नदियों में स्नान किए। भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व मकर संक्रांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भक्ति के आगे कड़ाके की सर्दी का भी असर देखने को नहीं मिला। वहीं वाराणसी में भक्तों ने गंगा घाट में पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आस्था के इस पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने को भी पहुंचे। मंदिरों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने आराध्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यूक्रेन के पूर्वी शहर निप्रो के एक रिहायशी ब्लॉक पर रूसी मिसाइल हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। रूस ने कल यूक्रेन की राजधानी कीव, खारकीव और ओडेशा पर भी अप्रक्षेपात्र दागे थे। मीडिया के अनुसार रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली का संकट पैदा हो गया है।
रूस के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश में बिजली और पानी का संकट पैदा होने की आशंका है। रूस ने ये हमले इन खबरों के बाद किए कि पश्चिमी देश जर्मनी में अगले शुक्रवार को यूक्रेन के मित्र देशों की बैठक से पहले यूक्रेन को युद्धक टैंक देने पर विचार कर रहे हैं। और खबर खेल के मैदान से, भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया विश्व कीर्तिमान बना दिया है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए वनडे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका की टीम को 317 रन से शिकस्त दी है। ये वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रन का विशाल सा लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका की टीम 73 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 और मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से अपने नाम कर ली। और अब नजर आते हैं देश कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए खबरें, फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। रेडबर्ग इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और वहां तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले बेलगावी जेल में बंद आरोपी जयेश कांथा से पूछताछ के लिए नागपुर पुलिस ने जेल प्रशासन से बात की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस में शुक्रवार को 3 धमकी भरे फोन कॉल आए थे। इसके बाद नागपुर में उनके आवास और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी नौशाद और जगजीत से 2 मिलिट्री हैंड ग्रेनेड्स, 3 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। दोनों को आतंक फैलाने के आरोप में 12 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विपक्षी दलों ने दिल्ली में एक बैठक कर सर्वसम्मति से रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां, प्रवासी मजदूरों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगी गठबंधन। साथ ही पार्टी में घटते जनाधार का ठीकरा ईवीएम कर फोड़ा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पंजाब के अलधर में कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल। पंजाब के फिलौर में दिल का दौरा पड़ने से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए ड्रग्स से भरे 3 और बैग भी बरामद किए। वहीं 2 और संदिग्धों की जांच और तलाश जारी है। सीबीआई ने रविवार को गुवाहाटी में तैनात भारतीय रेलवे के एक हवाला ऑपरेटर और एक एडीआरएम समेत 7 लोगों को 50 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज टाटा मुंबई मैराथन के 18वें संस्करण को झंडी दिखाई। मैराथन में पूरे भारत से 55,000 से अधिक प्रतिभागी और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में दिव्यांग लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न्यूज़ नाइट के प्रयास